हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी दोस्त आई। वो बहुत सारी सब्जियां लेकर आई थी, तो हमने उससे कुछ सब्जियां ले ली। मेथी, सरसों का साग और बथुआ और पालक। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम सरसों का साग साग बनाते हैं। साग सर्दियों में बहुत टेस्टी बनता है, और बेसिकली ये सब्जियां सर्दियों में ही अच्छे से आती हैं, तो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। इन सब्जियों को हमने काट कर धो कर इसको कुकर में हम देखिए सेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इनको पत्ती पत्ती तोड़ कर अलग कर लिया। अब धुल कर अब हमने इसको प्रेशर कुकर में उबलने के लिए चढ़ाएंगे। ये देखिए साग हमारा बहुत ज़्यादा है, अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। इसको हम 1 मिनट के लिए इसी तरीके से चढ़ने देंगे, चढ़ा रहने देंगे। जब थोड़ा डाउन हो जाएगी सब्जी अंदर, तो हमें बाकी की चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी हमारी सब्जियाँ कितनी ज़्यादा हैं। अब हम थोड़ा सा चढ़ाने के बाद ये दब गई हैं। हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 4-5 सीटी आने तक पका कर रेडी किया। इसके अंदर हमने प्याज डाला, टमाटर डाला, अदरक, हरा मिर्चा और लहसुन की कुछ कलियाँ, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। अब हम इसको फिर से एक बार सीटी लगा कर रेडी करेंगे और कलछी से इसको खूब अच्छे से घोट देंगे। तो ये साग जितना घुटता है उतना ही खाने में टेस्टी बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस। ये देखिए, अब हम इसके अंदर एक स्पेशल तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर और कुछ कलियाँ लहसुन की ली हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, रफली चॉप करके लिया है और हींग ली है। हम इसको सबको डालकर मिक्सी के जार में डालकर पीस कर रेडी करेंगे। पीसने से होता क्या है कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा साग बनकर रेडी होता है। ये देखिए, पिसा हुआ साग हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। गैस पर हमने ऑयल चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डालेंगे। तेल, जीरा कड़कने के बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़े से तेल में हम इसको बनाएंगे। आप इसको बटर में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, मगर हम इसको ऑयल में चढ़ बनाएंगे। ये देखिए, जीरा अच्छे से चटक गया है। इसको हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन में चटा के रेडी करेंगे। अब हमने इसके अंदर 2 खड़े हरे मिर्ची डाले हैं, हींग डाली है, और अच्छे से पैन को शेक कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, अब हम जीरे और मिर्ची को एक बार क्रिस्पी होने तक भून कर रेडी कर लेंगे। और अब हमने जो सब्जियां कट करके लिखी हैं, पहले हम लहसुन की कलियां डालेंगे, लहसुन को भी अच्छे से भून लेंगे। फिर हम प्याज डालेंगे, नमक डालेंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग। अब हम टमाटर डालेंगे, टमाटर भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये हम 1 चम्मच मकाई का आटा ले रहे हैं, 1 से 2 चम्मच हमने मकाई का आटा लिया है। इसको भी हम अच्छे से पानी में घोल लेंगे, इसकी एक गाढ़ी सी स्लरी बनाकर रेडी कर लेंगे। और मसाला हमारा भुन रहा है, उस भुनी मसाले में साग पहले हम ऐड करेंगे। साग ऐड करने के बाद जो हमने मकाई का आटे की स्लरी बनाकर रेडी करी थी, वो भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, कटोरी में जो लगा हुआ था उसको भी हमने पानी डालकर निकाल लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ हमको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, खूब अच्छे से हिलाते डुलाते मिक्स करते हुए हम इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए, हमारा साग बनकर रेडी हो गया। हमने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। भाई, हम तो चले इस साग को खाने। फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा। और हाँ दोस्तों,
मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपको मेरा चैनल रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।